7 मई के दिन यानी कि मंगलवार सारी लोगों की निगाहें एक बार वापस से जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच पर आ टिकी, जब उन्होंने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के मैटर को वापस से टेकअप किया। ये नजरें इसलिए भी टिकी हुई है क्योंकि पिछले हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कह दिया था कि वे इस केस में इस बात पर विचार कर सकते हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल को इंटरिम रिलीफ देनी चाहिए या नहीं। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट बेंच इलेक्शंस को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सीएम को बेल देने का सोच सकते हैं। और आज की हियरिंग में वापस से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी और एएसजी एसवी राजू के बीच जमकर झगड़े हुए हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट बेंच ने पिछले हियरिंग में ईडी को कुछ सवालों के जवाब लेकर मौजूद रहने को कहा था और आज की हियरिंग में यही जवाब लेकर ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू मौजूद थे। हालांकि इस हियरिंग में सबसे इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट्स सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और जस्टिस संजीव खन्ना में हुई, जब सुप्रीम कोर्ट बेंच सोचने पर मजबूर हो गई थी कि क्या अरविंद केजरीवाल को जेल से राहत देनी चाहिए या नहीं। जब जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि ही इज इलेक्टेड सीएम ऑफ दिल्ली, देयर आर इलेक्शंस, दीज आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस, ही इज नॉट अ हैबिचुअल ऑफेंडर, तो ये सब सुनकर सेंटर की ओर से मौजूद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता काफी भड़क गए और कहने पर मजबूर हो गए कि व्हाट एग्जांपल्स आर वी सेटिंग, आर अदर पीपल लेस इम्पोर्टेंट देन सीएम। यहाँ पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ऐड करते हुए कहा कि जस्ट बिकॉज अरविंद केजरीवाल सीएम है तो सिर्फ इस वजह से उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलनी चाहिए, एंड स्टेटेड देयर कांट बी एनी डेविएशन ओनली बिकॉज ही इज अ सीएम, आर वी कार्विंग आउट एक्सेप्शंस फॉर पॉलिटिशियंस, वुड कैंपेनिंग फॉर इलेक्शंस बी मोर इम्पोर्टेंट। हालांकि जस्टिस संजीव खन्ना ने एसजी मेहता को समझाने की कोशिश की और कहा दैट सेपरेट, इलेक्शंस आर हेल्ड वंस एवरी 5 years, वी डोंट अप्रिशिएट दिस। जस्टिस खन्ना ने यहाँ एड करते हुए ये भी कहा है कि वी सर्टेनली डू नॉट वॉन्ट दैट पॉलिटिशियंस हु आर इन्वॉल्व्ड इन क्राइम्स बी ट्रीटेड डिफरेंटली। पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पलट जवाब देते हुए कह दिया क्वेश्चन इज वेदर यू शुड और शुड नॉट ग्रांट इंटरिम बेल, ही वॉज कॉल्ड 6 months back, becomes judge in own cause. If he had cooperated, maybe he would not have been arrested. Now he says, I want to campaign. All common men are at par. लेकिन जस्टिस संजीव खन्ना ने यहाँ वापस से कहा, argument from that side is from a larger perspective. हालांकि एसजी तुषार मेहता ने हार नहीं मानी और पलटवार करते हुए वापस से दोहराया, योर कंक्लूजन इज आफ्टर हियरिंग देम फॉर 3 days, वी मस्ट गेट अपॉर्चुनिटी टू काउंटर। जिसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना ने रिस्पोंडेंट्स को सिर्फ 1 बजे तक का टाइम दिया। इस बात से काफी गुस्सा हो गए थे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और सुप्रीम कोर्ट बेंच को समझाने की कोशिश की, टू बाइंड अस डाउन वी नॉट बी फेयर, दिस इज अनफॉर्चुनेट। लेकिन जस्टिस संजीव खन्ना ने इधर एसजी मेहता को समझाया कि अरविंद केजरीवाल इस मामले में इंटाइटल्ड है एंड स्टेटेड दे आर इंटाइटल्ड टू सी अरेस्ट वाज जस्ट बिफोर इलेक्शंस। यहां पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का सब्र का बांध टूट गया, जिसके बाद वे बोलने पर मजबूर हो गए कि चीफ मिनिस्टर इज इवेडिंग समन्स, दिस विल सेंड अ रॉन्ग मैसेज एंड डीमोरलाइज अ रियल कॉमन मैन इफ ही गेट्स लग्जरी ऑफ कैंपेनिंग। इस पॉइंट पर जस्टिस संजीव खन्ना और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता में थोड़ी सी सुलह हुई जब जस्टिस खन्ना ने कहा वी हैव अंडरस्टूड योर ऑब्जेक्शन, प्लीज मेक योर आर्ग्यूमेंट्स ऑन इंटरिम बेल, वी विल हियर यू, ही हैज अवॉइडेड समन्स 9 times, अंडरस्टूड। ये तो बात हुई एसजी मेहता और जस्टिस संजीव खन्ना के बीच हीटेड आर्ग्यूमेंट्स की, और अब बात करते हैं ईडी की ओर से मौजूद एएसजी एसपी राजू और जस्टिस संजीव खन्ना के झगड़ों की। हियरिंग की शुरुआत में ही एएसजी एसपी राजू ने सुप्रीम कोर्ट बेंच को समझाया कि कैसे इस मामले में अरविंद केजरीवाल का नाम एकदम से उठा है एंड स्टेटेड आई विल रिफर टू द अलेज्ड कॉन्ट्रडिक्शंस कैश ट्रांजैक्शंस ऑफ 100 crores थ्रू हवाला ऑपरेटर्स वन प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट आफ्टर मनीष सिसोदिया बेल रिजेक्टेड 1100 crores अटैच्ड। हालांकि ये अमाउंट सुनकर तो सुप्रीम कोर्ट बेंच का सर चकरा गया और वे सोचने पर मजबूर हो गए कि भला इतने पैसे कहां से आ गए। जस्टिस संजीव खन्ना ने यहां सवाल करते हुए पूछा इन 2 years इट बिकम्स 1100 crores, यू सेट प्रोसीड्स ऑफ क्राइम वर 100 crores, हाउ कुड इट बिकम 1100 crores। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बेंच को समझाते हुए एएसजी एसवी राजू ने कहा कि दिल्ली लिकर पॉलिसी के बेनिफिट्स को भी यहाँ काउंट किया जा रहा है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम में, पर इस सबमिशन से जस्टिस संजीव खन्ना नहीं खुश नजर आए, जिन्होंने कह दिया कि होल इंटायर प्रॉफिट इज नॉट प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। लेकिन इसका पलट जवाब देते हुए एएसजी एसवी राजू ने कहा इट इज फॉर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर टू डिसाइड एट दिस स्टेज व्हाट स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड व्हाट इज नॉट। और यहां पर एएसजी एसवी राजू ने सुप्रीम कोर्ट बेंच को क्लियर भी किया कि वे शुरुआत से अरविंद केजरीवाल के रोल की जांच नहीं कर रहे थे एंड स्टेटेड When we began the investigation, our investigation was not directly against him. His role came up during the investigation. That's why in the beginning, not a single question was asked regarding him. Investigation was not focused on him. हियरिंग यहाँ इंटेंस हो गई जब जस्टिस संजीव खन्ना ने ईडी से सवाल करते हुए पूछ भी लिया कि भला इस केस में उन्होंने इतना डिले क्यों किया है। जस्टिस खन्ना स्टेटेड देयर इज अ डिले ऑफ 2 years, द डिले ऑफ 2 years इन अनअर्थिंग फैक्ट्स
isn't favorable for any investigating agency. हालांकि खुद के सपोर्ट में SGSP राजू ने यहां पर कहा, We have found that Kejriwal stayed in a 7-star hotel in Goa during Goa elections. Part of his expenses were paid by persons who accepted cash. It is not a politically motivated case. लेकिन यहां पर जस्टिस खन्ना कहने पर मजबूर हो गए कि प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन सेक्शन 19 PMLA और जिसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इस केस में केस फाइल्स मंगवाने की भी बात की है देखने के लिए और ऑर्डर देते हुए कहा प्लीज आस्क देम टू प्रोड्यूस केस फाइल्स फर्स्ट टू वॉल्यूम्स वी वांट टू सी ऑफिसर नोटिंग्स। एक और पॉइंट जिस पे ASG राजू और जस्टिस संजीव खन्ना में डिसएग्रीमेंट देखने को मिले थे तब हुआ था जब ASG SV राजू ने कह दिया कि ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एंड रीजंस टू बिलीव आर सेम जिसे बिल्कुल भी अग्री नहीं करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा नो मिस्टर राजू दे आर डिफरेंट। झगड़े थोड़े और भी बढ़ गए जब ASG SV राजू ने आगे कह दिया कि सेक्शन 19 PMLA द वर्ड यूज्ड इज मटेरियल एंड नॉट एविडेंस मटेरियल नीड नॉट टू बी एडमिसिबल। इस पॉइंट पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि अरेस्टिंग ऑफिसर हैज टू एंश्योर दैट ही कंप्लाइज विद लेजिस्लेटिव मैंडेट दैट विल हैव टू बी रेड एज प्रमोटिंग द कॉज ऑफ लिबर्टी और ED को भी समझाने की कोशिश की कि वे लॉ से पढ़े जा रहे हैं। इस पॉइंट पर जस्टिस खन्ना ने स्टेट किया ऑल मटेरियल हैज टू बी सीन स्टैंडर्ड फॉर अरेस्ट इज मच हायर यू आर गोइंग कॉन्ट्ररी टू विजय मदन लाल। आपको बता दें कि हियरिंग के दौरान काफी इंटेंस आर्ग्यूमेंट सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और जस्टिस संजीव खन्ना के बीच देखने को मिले थे जब SG मेहता ने झगड़ते हुए कह दिया था समथिंग ही हैड टू शो इन बेल ही इज पुटिंग ऑन अस। लेकिन ये सुनकर जस्टिस संजीव खन्ना ने काउंटर किया और कहा एट द टाइम ऑफ रिमांड ओनस इज ऑन यू एट द टाइम ऑफ बेल इट्स ऑन हिम ही सेज यू हैव नॉट डिस्चार्ज्ड बर्डन जिसमें जस्टिस खन्ना ने खुद से ऐड करते हुए कहा भी है ही मे और मे नॉट बी राइट। इस पॉइंट पर ED की ओर से मौजूद ASG SV राजू ने भी कहा इट इज ऑल्सो माई सबमिशन दैट क्रिमिनल लॉ इज डिफरेंट इट इज इम्यून फ्रॉम एप्लीकेबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स। हियरिंग के दौरान सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी जो कि अरविंद केजरीवाल की ओर से मौजूद थे उनके और SG तुषार मेहता में भी थोड़ी बहस हुई थी जब सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने केजरीवाल को डिफेंड करते हुए कह दिया था आई विल असर्ट दैट ही वोंट साइन एनी फाइल्स अंडर द कंडीशन दैट LG डजंट हॉल्ट एनी ग्राउंड वर्क ड्यू टू माई नॉन साइनिंग माई स्टेटमेंट इज फेयर विदाउट बायस जिसका हालांकि पलट जवाब देते हुए SG तुषार मेहता ने कहा था ऑल साइटेड जजमेंट्स फॉर फाइनल ही क्लेम्स डेमोक्रेसी एज बेसिक स्ट्रक्चर बट सो इज द राइट टू फूड मेनी लैंग्वेज इन जेल डज अ कॉमन मैन्स राइट होल्ड लेसर वैल्यू। यहाँ पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ये भी कहा है कि ही इज इन जेल विल हैव टू फोरगो हिज राइट्स वॉट एवर राइट्स आर देयर ईदर एज MLA और एज अ पॉलिटिकल लीडर मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो इज जनरली नॉट एन ऑनरेबल थिंग। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इस मामले को लंच के बाद पोस्ट किया था और उसके बाद कुछ और आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद इस केस में कोई फैसला नहीं लिया गया है तो देखना अब ये है कि ये मैटर नेक्स्ट कब के लिए लिस्ट होता है। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।